हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 13.1। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 8 का, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये चैप्टर बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी इजी भी है और ये आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना इस चैप्टर को, मैं आपको बताऊंगा। बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर आपने ना तो इसका बेसिक्स पढ़ाया और आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, तो डोंट वरी बच्चों, जब ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इस एक्सरसाइज 13.1 को क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताता हूं, सिंपली, बड़ा सिंपल है यार। मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, सुनना। अगर किसी एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़ जाए, देखो ध्यान से, किसी एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है ना, इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। किसी एक चीज को कम कर रहे हैं और दूसरी चीज भी देखो क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो यहां पर किसी एक चीज को बढ़ाया तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, किसी एक चीज को कम किया तो दूसरी चीज भी कम हो रही है। बेटा किसी एक को बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़ जाए तो इसे कहते हैं डायरेक्ट, और यह भी डायरेक्ट है। किसी एक चीज को कम करने पर दूसरी भी कम होती है, इसे भी कहते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये आता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मतलब मैंने जो पहले के साथ किया दूसरा भी वही कर रहा है। मैंने पहले को बढ़ाया, दूसरा वाला भी बढ़ गया, मैंने पहले वाले को नीचे कम किया तो दूसरा वाला भी कम हो गया। ऐसे तरीके को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स करने, बस इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब बच्चों आता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो भाई इनवर्स प्रोपोर्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, अगर किसी एक चीज को मैं बढ़ा रहा हूं, देखो अगर किसी एक चीज को बढ़ा रहा हूं और दूसरी चीज ना कम हो रही है, ये देखो एक चीज को बढ़ाया और दूसरी चीज कम हो रही है, उल्टा हो रहा है एकदम काम, है ना। या फिर मैं बोलूं किसी एक चीज को मैंने कम कर दिया तो दूसरी वाली चीज बढ़ रही है। देखो दोनों केस देख लो, किसी एक चीज को बच्चों बढ़ाने पर दूसरी वाली कम हो रही है, या किसी एक चीज को कम किया तो दूसरी वाली बढ़ रही है। बेटा ऐसे वाले कंडीशन में जब मैं किसी एक के साथ जो काम कर रहा हूं दूसरा वाला उसका उल्टा कर रहा है, इसे कहते हैं बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शन, एकदम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मैं आपको ना इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। एक बात बताना, मैं बड़ा प्यासा प्यासा आया बाहर से, समझना मेरी बात को, मैं बड़ा प्यासा आया बाहर से, मैंने ना पानी का एक गिलास पिया, देखो ध्यान से सुनो, मैंने पानी का पहला गिलास पिया, मैंने जब पानी का पहला गिलास पिया है ना, तो मुझे ना खुशी मिली, बहुत खुशी मिली यार, प्यास बुझी है तो खुशी तो मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा बच्चों। अगर मैं पानी का एक गिलास पीता हूं, मैं बड़ा प्यासा हूं मेरे बच्चों, अगर मैं पानी का एक गिलास पीता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, बड़ी ज्यादा मिलती है खुशी, बिल्कुल हैप्पीनेस मिल रही है बहुत ज्यादा। मैं पानी का दूसरा गिलास पी रहा हूं, मुझे खुशी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, प्यासा हूं मैं, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई खुशी मेरी, थोड़ी सी कम। मैं पानी का तीसरा गिलास पी रहा हूं, मेरी खुशी थोड़ी और कम हो गई, मेरी खुशी थोड़ी और कम। मैं पानी का चौथा गिलास पीने जा रहा हूं बच्चों, यार एक बात बताओ यार, ध्यान से देखना, और ये होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग पी के देख लेना। जब आप बहुत प्यासे हो पानी का पहला गिलास पियोगे, आहा मजा आ जाएगा। जब आप पानी का दूसरा गिलास पियोगे बच्चों, तो पानी की जो खुशी होगी ना मिलने की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। पानी का तीसरा गिलास पियोगे तो खुशी और कम होगी, चौथे गिलास में खुशी और कम होगी, ऐसे पीते पीते खुशी नहीं होगी बिल्कुल भी, फिर बोले भाड़ गया पानी। मतलब जैसे ही पानी के गिलासों की संख्या बढ़ रही है, पानी के गिलासों की संख्या बच्चों बढ़ रही है ना, आप देख सकते हो एक गिलास, दो, तीन, चार, पानी के ग्लास की संख्या अगर बढ़ रही है तो मेरी खुशियां, पानी को पीने से मिलने वाली खुशियां कम हो रही है, क्या हो रही है, तो किसी एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज कम हो रही है, इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, उल्टा होता है, देखो है ना। तो बेटा प्लीज एक बार इसे देखिएगा। तो बच्चों मैं अब आपको ना एक डायरेक्ट वाला भी एग्जांपल बताता हूं, हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, टेंशन मत देना, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वाला एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मेरे पे एक गाड़ी है बच्चों, ये गाड़ी है, कार है, एंटन है, अच्छा ये हेडलाइट थी, ठीक है बेटा। ये गाड़ी जो है ना बच्चों, मैंने इस गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 2 लीटर,
सिर्फ 2 लीटर ये गाड़ी इतना चली, बस इतना सा चली देगा। देखा कितना चली, जरा सा चली, मैं बोल रहा हूँ 4 किलोमीटर कहीं बस, मान लो मानने में क्या है। मैंने बोला कि अब मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं 4 लीटर, तो ये और दूर चलेगी, 8 लीटर चलेगी, 8 किलोमीटर चलेगी। मैंने कहा मैं गाड़ी में पेट्रोल और डलवाऊंगा, अब तो गाड़ी दौड़ेगी अपनी। मैंने गाड़ी में डलवाया 6 लीटर पेट्रोल, गाड़ी अब जा रही है 12 किलोमीटर। मैंने कहा नहीं, प्रॉब्लम है जी मेरे को, गाड़ी में थोड़ा और पेट्रोल डालेंगे। अब गाड़ी में डाल रहा हूं 10 लीटर पेट्रोल, गाड़ी जाएगी यमुना पार, अब जा रही 20 किलोमीटर। यार एक बात बताओ सर, इसमें कैसे समझ में आएगा डायरेक्ट है या इनवर्स है? देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल बढ़ा रहा हूं तो ये दूरी भी बढ़ा रही है। एक चीज के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। जब कोई एक चीज आपकी बढ़ रही है, गाड़ी में पेट्रोल आप बढ़ा रहे हो ना, तो गाड़ी की दूरी भी क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। तो ऐसे होने पर, ऐसे वाले केसेस में जब एक चीज बढ़ रही हो दूसरी भी बढ़े, इसे कहते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। उतार दीजिए। तो बच्चों मैंने आपको ना डेली लाइफ के एग्जांपल्स बता दिए, डायरेक्ट प्रपोर्शन के भी, इनवर्स प्रपोर्शन के भी। अब जल्दी से ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाता हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं स्टार्ट करवाऊं, मैं आपको इससे पहले बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट प्रपोर्शन के, डायरेक्ट के। लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 parts ऑफ बेस। क्या पूरी कहानी मैं बताऊं बेटा? यहां पर बोला हुआ है ना, हम एक ना पेंट का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, मतलब एक पेंट तैयार कर रहे हैं। मान लो लेट सपोज बच्चों, हम एक पेंट को तैयार कर रहे हैं, हमारा पेंट है, हमारा एक पेंट है, ये तैयार हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप एक पेंट के मिक्सचर को तैयार कर रहे हो, क्या कैसे तैयार कर रहे हो? आप एक पार्ट तो डाल रहे हो रेड पिगमेंट का, एक पार्ट डालते हैं हम रेड पिगमेंट का, मतलब लाल रंग का, रेड पिगमेंट का। हमें ना पेंट बनाना है बच्चों, पेंट पता है ना दीवारों पे होता है, तो हमने क्या करा, सिर्फ एक पार्ट डाला है रेड पिगमेंट का, मतलब कि लाल रंग डाल दिया। सर ये 1 part का मतलब क्या होता है? आप एक मग्गा डाल दो, आप एक ढक्कन डाल दो, आप एक बोतल, एक पार्ट, आप एक टंकी पानी, एक टंकी लाल रंग डाल दो, आप एक बाल्टी लाल रंग डाल दो, आप, मैं कह रहा हूं आपको एक गिलास लाल रंग डाल दो। 1 part का मतलब 1, बस एक ही होना चाहिए। लेट सपोज मैं बोल रहा हूं, मैंने एक मग्गा होता है ना मग, मैंने एक मग्गा लाल रंग डाल दिया, तो वो कह रहा है 8 part डालने पड़ेंगे बेस के। 8 part किसके डालने पड़ेंगे? बेस के। मतलब कि अगर एक मग्गा लाल रंग डालूंगा तो 8 मग्गे बेस के डालने पड़ेंगे। साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 7 में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, और 8 में भी है ये। तो ये चीज समझ में आई कि पेंट बनता कैसे है। अगर मैं एक पार्ट लाल रंग का डालूंगा तो 8 part डालने पड़ेंगे बेस के। समझ लो, समझना मेरी बात को, मैं समझाना क्या चाहता हूं बच्चों। अगर मैंने पेंट को बनाना है तो मुझे रेड पिगमेंट मतलब लाल रंग चाहिए और बेस चाहिए, इन दोनों को मिक्स करूंगा, पेंट तैयार हो जाएगा। हो जाएगा? क्वेश्चन ने बोला भाई ऐसा। अगर मैं रेड पिगमेंट का सिर्फ एक पार्ट डाल रहा हूं, सिर्फ एक बच्चों, सिर्फ एक पार्ट, तो बेस कितना डालना पड़ रहा है? 8 डालने पड़ रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मैं रेड पिगमेंट को बढ़ा दूं, समझना बच्चों ध्यान से, अगर मैं रेड पिगमेंट को एक पार्ट नहीं, एक से ज्यादा पार्ट लूं, तो क्या बेस को भी बढ़ाना पड़ेगा? कम हो जाएगा बेस? ऑफ कोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना बच्चों। देखो समझना मेरी बात को, अगर मैं पेंट को बनाने के लिए, बेटा यहां पर ध्यान दे, अगर मैं पेंट को बनाने के लिए एक पार्ट रेड पिगमेंट डाल रहा हूं तो 8 part मुझे बेस के डालने पड़ेंगे। मैं अगर रेड पिगमेंट को बढ़ा दूं तो बच्चों बेस को भी तो बढ़ाना पड़ेगा यार, मतलब कि अगर मैं रेड पिगमेंट को बढ़ाऊंगा तो बेस भी बढ़ेगा। अरे किसी एक चीज के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। और मैं तो पहले बोल चुका हूं कि पूरी एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन हमारे किसके? डायरेक्ट प्रपोर्शन के। लेकिन हर क्वेश्चन में समझाऊंगा, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन बड़ा सिंपल होता है, मुझे पता चल गया डायरेक्ट प्रपोर्शन में, तो इसको बोल लो x1, x2, x3,
एक्स फोर एक्स फाइव, नीचे लगाना है ऊपर नहीं लगाना, इसे बोलना है वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर और वाई फाइव, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, क्वेश्चंस में डायरेक्ट हो या इनवर्स हो सब में ऐसा करना होता है। अब करना क्या है, पहले इस पूरी लाइन को उतार दो, ध्यान से सुनना, इस पूरी की पूरी लाइन को चेकूंगा मैं। देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट लिख दिया पूरा, हमारा जो रेड पिगमेंट है एक्चुअली में ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है बच्चों? डायरेक्ट, क्योंकि अगर मैं रेड पिगमेंट को बढ़ाऊंगा तो बेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो जब एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज को बढ़ाया दूसरी भी बढ़ गई, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो हम लिखेंगे ये पूरा का पूरा पार्ट उतारने का, लिखेंगे इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये पूरी लाइन लिखनी है प्रोपोर्शन टू, और टू के बाद क्या लिखना है, टू के बाद ये वाली लाइन उतार देनी है, सिंपल पार्ट ऑफ बेस। मतलब कि बच्चों ये वाली लाइन आपको याद रखनी है सर, बाकी मैंने और क्या करा, सेम थिंग, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट ये वाला था एज इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू, उसके बाद ये वाली लाइन एज इट इज आ गई। सारे क्वेश्चन अब हर किसी क्वेश्चन में देखना, टेंशन की ले लो, दिक्कत मत देना, अभी एक दो क्वेश्चन करोगे बेटा। ये दोनों के दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर रेड पिगमेंट को बढ़ाऊंगा तो बेस भी बढ़ेगा, क्लियर है पक्का। और रेड पिग पता ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, पहले मैं इसको निकालता हूं, देखो इन चारों को ले रहा हूं, ध्यान से देखो ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है इसका, ध्यान से लिखना, ये जो एक्स वन अपॉन में वाई वन है, ध्यान से देखना, ये एक्स वन अपॉन में जो वाई वन है ना बच्चों, वो एक्स टू अपॉन में वाई टू के भी बराबर है, ये वाला पार्ट जो है वो इसके भी बराबर है, ये वाला जो पार्ट है ना एक्स वन अपॉन में वाई वन, वो एक्स फोर अपॉन में वाई फोर के भी बराबर है। आप जिस मर्जी को निकाल लो, पहले मुझे पहले इसे निकालना है ना, तो मैं देखो क्या लिखूंगा, एक्स टू अपॉन में वाई टू निकालना है, क्योंकि वाई टू है ना, ये निकालना है ना। अगर मुझे मान लो ये वाला पार्ट निकालना होता तो मैं बोलता एक्स थ्री अपॉन में वाई थ्री, क्योंकि सबके बराबर होता है। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों एक्स वन अपॉन में वाई वन, वो एक्स टू अपॉन में वाई टू के भी बराबर है, एक्स थ्री अपॉन में वाई थ्री के भी बराबर है, एक्स फोर अपॉन में वाई फोर के भी बराबर है, एक्स फाइव अपॉन में वाई फाइव के भी बराबर है। फर्क यह है बच्चों, पहले कैसे लोगे, मैं इसे ले रहा हूं, लो एक्स टू अपॉन में वाई टू ले लिया बच्चों, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बराबर होते हैं। चलो ठीक है, वैल्यूज डालते हैं बच्चों, एक्स वन कितना आप देख सकते हो वन, वाई वन कितना बच्चों, नीचे वाई वन लगा रहे ना, नीचे तो वाई वन लगा रहे, वाई वन कितना बच्चों एट, इक्वल की जगह इक्वल बच्चों। एक्स टू कितना आप देख सकते हो फोर, वाई टू यार पता ही नहीं मुझे वाई टू कितना है, तो यहां पर वाई टू रख लो, आप लोगों को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जानते होगे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, वाई टू अगर वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा वाई टू, इक्वल बना दिया ये इक्वल इधर, एट वाला फोर से मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा थर्टी टू, तो ध्यान से देखो बच्चों वाई टू थर्टी टू आ गया। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर पुट कर देता हूं 32, ठीक है 32 पुट कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ ये वाला निकाला था, चलिए ठीक है अभी और निकालते हैं। अब मुझे ये वाला निकालना है y3, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था रेड पिगमेंट और बेस आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये एक्स वन अपॉन में वाई वन, ये एक्स वन अपॉन में वाई वन किसके बराबर होगा बच्चों, ये इस मतलब सारे आपस में बराबर होते हैं सारे के सारे, जरूरी नहीं आप एक्स वन अपॉन में वाई वन लेकर इसे लेकर करो, आप इन दोनों को लेकर भी कर सकते हो जैसे मर्जी, लेकिन मैं इसी को लेकर कर रहा हूं, एक्स थ्री अपॉन में वाई थ्री के भी बराबर है, ठीक है, क्योंकि मुझे वाई थ्री निकालना है ना, ऐसे ले लिया। चलो भाई वैल्यूज निकालते हैं जल्दी से, एक्स वन आपको पता है वन है, वाई वन बच्चों वाई वन आप देख सकते हो एट, इक्वल की जगह पर देखो इक्वल है इक्वल कर दियो, एक्स थ्री करना है, एक्स थ्री आप देख सकते हो सेवन है, और वाई थ्री बच्चों हमें निकालना है, तो वाई थ्री की जगह वाई थ्री। अब आप सब जानते हो यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए बच्चों y3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा y3 इक्वल की जगह इक्वल, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, देख सकते हो बच्चों y3 कितना आ गया 56 आ गया, तो मैं यहां पे निकालता हूं 56। अरे बड़ा आसान है यार चैप्टर, बहुत आसान है बच्चों, मजे से करेंगे दबा के। अब मुझे इसको निकालना है, तो ये x1 अपॉन में y1 किसके बराबर लेंगे, अब हम x1 अपॉन में y1 बराबर लेंगे x4 अपॉन में y4 के, ठीक है।
और जरूरी नहीं मैं एक्स वन अपॉन में वाई वन और इसको इसको बराबर लू, आप चाहो तो इसको इसको बराबर ले सकते हो, इसको और इस वाले पार्ट को भी बराबर ले सकते हो, है ना, किसी को भी ले सकते हो क्योंकि ऐसे बराबर होते हैं। एक्स वन की जगह पर वन आ गया, वाई वन की जगह पर बच्चों एट आ गया, एक्स फोर बोल रहा है, एक्स फोर आप देख सकते हो बारह है, वाई फोर बोल रहा है, वाई फोर पता ही नहीं, तो वाई फोर की जगह वाई फोर। अब आप सब जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, तो वाई फोर जो है वो अगर वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, वाई फोर सेम आ गया, इक्वल की जगह ये इक्वल। अगर एट और ट्वेल्व को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96, तो बच्चों पता चल गया 96 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 96। अब इसको निकाल लेते हैं, सिंपल है बहुत, चलिए बच्चों इसे भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है यार चैप्टर। अगर इसे निकालना है बच्चों तो x1 अपॉन में y1 इज इक्वल x5 अपॉन में y5, सिंपल है बच्चों। तो बच्चों पहले x1 की वैल्यू देखते हैं आ रही है 1 और y1 की देखते हैं आ रही है 8, x5 देख सकते हो आ रहा है 20 और y5 की तो वैल्यू पता ही नहीं है। अब हो जाएगा बच्चों आप लोग जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से, मेरे को हो गया। और y5 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा यहां पर y5, और 8 को 20 से करेंगे आ जाएगा 160। तो बच्चों इस तरीके से हमें पता चल गया यहां पर आएगा 160, देखो कितना आराम से कर लिया। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में ना बच्चों हर क्वेश्चन में ऐसा टेबल बनेगा, और अगर नहीं हुआ तो हम इस टेबल को बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने बोर्ड पे उतार दिया, जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। इन अबव क्वेश्चन टू, मतलब जो दूसरा क्वेश्चन था ना ऊपर हमारा जो उससे पहले था, इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, मतलब कि आपको पेंट बनाना है और अगर आप एक पार्ट डालते हो रेड पिगमेंट का, देखो कुछ ऐसा, देखो ध्यान से, अब अगर आप पेंट बना रहे हो, सेम वही क्वेश्चन है बोला हुआ उसने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह, अगर आप पेंट बना रहे हो और अगर आप एक पार्ट डालते हो रेड पिगमेंट का, लाल रंग का अगर आप एक पार्ट डालते हो और रेड पिगमेंट, वन पार्ट ऑफ और रेड पिगमेंट, तो आपको बेस कितना डालना पड़ेगा, 75 ml डालना पड़ेगा, इतना बेस डालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला था, हर क्वेश्चन में टेबल बनेगा और अगर नहीं हुआ तो बनाओ, तो चलो इसमें टेबल बना लेते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, टेबल बनाते हैं जल्दी से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बहुत आसान है, टेबल बना देते हैं। देखो ध्यान से हमें क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, रेड पिगमेंट का अगर एक पार्ट डलेगा तो बेस कितना डलेगा, 75 ml डलेगा। तो यहां पर दो चीजें दे रखी है हमें, एक तो दे रखी है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, और नीचे दे रखा है पार्ट ऑफ बेस। चलो भाई कॉलम्स बना देते हैं इसके लिए, दो तीन, ठीक है बना दिया। सबसे पहले रेड पिगमेंट का कितना पार्ट बोला उसने, सिर्फ एक पार्ट, अगर रेड पिगमेंट का एक पार्ट है तो बेस कितना डालेगा बच्चों, 75 ml डालेगा, ठीक है, ये तो दे रखा था, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया, टेबल था नहीं तो बना लिया टेबल। अब देखना, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, वो कह रहा है अगर आपके पास 1800 ml बेस डालोगे, बेस कितना डाल रहे हैं 1800 ml, 1800 ml मैं यहां रखूंगा या यहां रखूंगा, भाई पार्ट ऑफ बेस है तो यही रखूंगा ना नीचे, 1800 ml जो बेस है अगर मैं इसे यूज कर रहा हूं तो मुझे रेड पिगमेंट का कितना पार्ट डालना है। ध्यान से देखो, हमारा अगर मैं एक पार्ट डालता हूं रेड पिगमेंट का तो हमें बेस कितना डालना है, 75 ml, वो कह रहा है अगर आप 1800 ml बेस डाल रहे हो तो रेड पिगमेंट कितना डालेगा, मतलब ये वाला निकालना है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहले टेबल बना दिया, और किसी को दिक्कत है 1800 ml आपने सर नीचे वाले क्यों लिखा है, क्योंकि बेस हमारे नीचे वाली लाइन में, ठीक है, इसको बोलेंगे x1, इसे बोलेंगे x2, इसे बोलेंगे y1, इसे बोलेंगे y2। मैंने तो आपको बताया, एक बात बताओ, अगर मैं रेड पिगमेंट को बढ़ाऊंगा तो क्या पार्ट ऑफ बेस भी बढ़ेगा, बिल्कुल, अगर मैं बेस को बढ़ाऊंगा तो हमारा रेड पिगमेंट भी बढ़ेगा, अगर मैं बेस को बढ़ाऊंगा तो रेड पिगमेंट भी बढ़ा के डालना पड़ेगा ना, एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़ रही है ना, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो जी, अगर मैं पार्ट ऑफ बेस बढ़ाऊंगा तो रेड पिगमेंट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ऑफ कोर्स बढ़ेगा, है ना, तो ऐसे केस होते हैं हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। स्टेटमेंट मैंने आपको लिखना सिखाया, देखो कैसे, पहले आपको एक पूरी की पूरी चीज लिखनी है,
ध्यान से देखना बच्चों, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट लिख दिया। अब आप लिखोगे वही रटी हुई लाइन, इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू, अब टू के बाद क्या आएगा बच्चों, ये जो नीचे वाला है पूरा होगा पार्ट ऑफ फेस, और ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्यों है, क्योंकि अगर मैं बेस वाले पार्ट को बढ़ाऊंगा तो रेड पिगमेंट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, अगर भाई बेस डाल दिया जाता तो रेड पिगमेंट भी ज्यादा डालना पड़ेगा। चलो भाई देखो, ये पूरी की पूरी लाइन एज इट इज, ये आपका पूरा आपको याद होना चाहिए, इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू। उसके बाद देखो, पहले तो आप इस वाले पार्ट को उतारोगे, फिर आप ये लाइन लिखोगे बच्चों इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू, उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट ऑफ बेस आपने उतार दिया, सिंपल ऐसी तैयार होती स्टेटमेंट। अब आपको पता होगा अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2 के बराबर होगा, है ना। चलिए देखते हैं, x1 की जगह पर बच्चों आप देख सकते हो 1 आ गया, नीचे y1 पुट करना है, y1 की जगह पर 75 ml आ जाएगा, इक्वल की जगह पर इक्वल। अब यहां पर x2 है, तो बच्चों x2 आप देख सकते हो, पता ही नहीं यार हमें x2 है, कोई x2 पता, तो x2 नहीं पता तो उसकी जगह पर x2 आएगा। y2 आप देख सकते हो हमारा 1800 ml है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आपको पता कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 1800 ml को 1 से करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1800 ml, इक्वल की जगह इक्वल, इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये रहा 75 ml मल्टीप्लाई बाय x2, हो गया मल्टीप्लाई से, देख सकते हो आप, है ना। देखो इसको 1 से करा सेम आ गया, इसको इससे करेंगे ये आ गया। अब ये देखो मुझे x2 निकालना है तो इसे अकेला करना पड़ेगा ना, अगर मुझे इसे निकालना है बच्चों ध्यान से देखना, अगर मुझे ये x2 निकालना है तो इसे अकेला करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या होगा 75 ml इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां पर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड का मतलब होता है बच्चों नीचे आ गया, देखो हो गया अकेला नीचे आ गया वो। अब इसे काट लेते बच्चों, ये कटेगा तो काटते हैं, देखो ml से तो ml पूरा कट गया, ठीक है। अगर आप इसे 75 के टेबल से काटना चाहते हो तो 75 के टेबल से काट लो, है ना, डायरेक्ट अगर 75 के टेबल से काटना चाहते हो तो डायरेक्ट काट सकते हो, नहीं तो 5 के टेबल से काटना है 5 के टेबल से काट लो, मैं डायरेक्ट ही काट देता हूं, देखो 75 के टेबल से 75 टू 150 400 400 25 के टेबल से काटूंगा बच्चों देखो ये कटा 1 बारी पे और ये कटा पूरा कितनी बारी पे 24 नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं देखो ध्यान से x2 की जगह पर x2 आ गया इक्वल और यहां पर 24 है तो यहां पर 24 आ गया। तो बच्चों हमें पता चल गया x2 कितना है 24, मतलब कि अगर वो 1800 ml बेस डालेंगे तो रेड पिगमेंट का कितना पार्ट डालना पड़ेगा 24 पार्ट। देखो रेड पिगमेंट को बढ़ाया ना, बढ़ाया देखो यहां 75 और ये 18 बढ़ा ना, तो देखो यहां पे देखो सॉरी बेस को बढ़ाया ना बच्चों, बेस को बढ़ाया तो रेड पिगमेंट भी बढ़ा डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, देखिए क्या कह रहा है जल्दी से बोर्ड पे देखिएगा। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, बेटा फुल स्टॉप है, बस इतना पढ़ेंगे। एक ना बच्चों मशीन है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जहां पर हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। वो मशीन क्या करती है 840 बोतलों को भरती है 6 घंटे के अंदर, 840 बॉटल्स को फिल करती है कितने में 6 आवर में। ये बोला हुआ ना उसने कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जिसके अंदर एक मशीन है, मशीन 840 बोतलों को भरती है 6 घंटे में। सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं इसी को सुन के, देखो ध्यान से। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप टेबल बनाओगे कैसे, आप भी तो बना सकते हो टेबल बनाने में, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी होती। टेबल तो बन गया, देखो ये लो बन गया, ये देखो ये ऐसे बना दिया टेबल, ये तो कोई भी बना सकता है, देखो कितना आसान बन गया टेबल।
अब दिक्कत है कि सर टेबल तो आपने बना दिया, अब लिखेंगे क्या? हमें देखो यहां पर दो चीजें पता चली है, हमारे नंबर वाले वर्ड्स कौन से, एक तो 840 बोतलें हैं और एक 6 घंटे हैं। 840 बोतल्स को मैं इधर लिख देता हूं, देखो 840 840 बोतल है और ये 6R हमारा यहां आ गया, 6R, एक को ऊपर एक को नीचे लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी, स्टेटमेंट में बोला था हमारी ना एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री थी जिसमें एक मशीन है जो मशीन आपकी 840 बोतलों को भर सकता है, वो भी कितने 6 घंटे में, और भरता है वो, है ना। चलो भाई, मेरे दो चीजें देखी थी, न्यूमेरिकल्स तो यही है ना, 840 और 6, 840 को तो मैंने यहां रख दिया और 6R को मैंने नीचे रख दिया। अब ये 840 क्या है? बोतलों की संख्या, नंबर ऑफ बॉटल्स, है ना, ये नंबर ऑफ बॉटल है, बोतलों की संख्या, और ये 6R क्या है? टाइम टेकन, ये टाइम है ना आपका, कितना टाइम लिया जा रहा है, टाइम टेकन। बेटा एक बात बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं अगर 840, देखो ध्यान से इसको देखना, ध्यान से, 840 बोतलें भर रहे हैं तो 6 घंटे ले रहे हैं, कितने 6 घंटे लग रहे हैं भाई। अगर मैं बोतलों की संख्या को बढ़ा दूं, मैं बोल रहा हूं अब 1800 बोतलें भरनी है, तो टाइम भी बढ़ेगा या कम हो जाएगा बताओ? बढ़ेगा, जाहिर सी बात है यार, अगर 840 बोतलों को 840 बोतलों को भरने में 6 घंटे लग रहे हैं तो 1800 बोतलें, मैंने बोतलें बढ़ा दी तो टाइम भी बढ़ेगा ना यार, ऑब्वियसली बढ़ेगा यार, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। तो मतलब कि यहां पर ये दोनों के दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ये नंबर ऑफ बॉटल और टाइम, है ना, क्योंकि एक को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, और इसे डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, टेबल तो मैंने बना दिया और ये भी बता दिया, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5R। अब भाई 5R को कहां उतारू, 5 घंटे को, यहां उतारूंगा या ऊपर उतारूंगा, सबको पता है बच्चों, नीचे उतारूंगा 5R को, है ना, क्योंकि नीचे चल रहा है टाइम टेकन। तो वो कह रहा है बताओ 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं, इस वाले को बोलेंगे X1, इसे बोलते हैं X2, इसे बोलेंगे Y1, इसे बोलेंगे Y2। ठीक है, जैसा कि आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ बॉटल्स, इस पूरी लाइन को उतारो, नंबर ऑफ बॉटल्स ये हमारा इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू, इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू तो लगा, और डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों बोला है, क्योंकि अगर बोतलों की संख्या को बढ़ाऊंगा तो समय भी बढ़ जाएगा, उसके बाद टाइम निकल जाएगा, सिंपल है। पहले इस वाली चीज को, फिर इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, फिर रियल पार्ट निकाल दिया, सिंपल स्टेटमेंट बनाना भी सिखा दिया। अब आपको पता है डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, X1 अपॉन में Y1 इज इक्वल टू X2 अपॉन में Y2। चलो देखते हैं, करते हैं आगे। X1 कितना है आप लोग देख सकते हो, 840, और Y1 कितना है बच्चों देख सकते हो, 6R, इक्वल की जगह इक्वल, X2 अरे यार पता ही नहीं, तो X2 की जगह X2, Y2 आप देख सकते हो कितना है, 5R। तो चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज्यादा जल्दी से, है बच्चों 840 और 5R को मल्टीप्लाई करके मैंने यहां लिख दिया, देखो 840 मल्टीप्लाई बाय 5R इक्वल, देखो इक्वल की जगह पे इक्वल, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख देता हूं 6R मल्टीप्लाई बाय X। ठीक है, क्लियर, तो कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा यहां पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा यहां पर। अब आपको पता है आपको एक्स निकालना है, सॉरी X2 निकालना है, तो उसे अकेला करना पड़ेगा, और अकेला कैसे होगा ये सब आप लोग भी जानते हो, अकेला कैसे होगा, ये वाला 6R इधर मल्टीप्लाई वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब कि नीचे आ जाएगा। अब काट पीट के निकालते हैं आंसर बच्चों, R से तो R कट गया, आपको पता है दोनों 6 के टेबल से कट रहे हैं, देखो ये 6 के टेबल से 1 बारी पे, और आप इसे काटना 6 4 24 6 6, ठीक है 140 बारी में, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों, देखो बच के आ रहा है 140 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसे करोगे तो आएगा 700, और ये आ गया X2। ध्यान से देखना, X2 था मैंने यहां उतार दिया, इक्वल की जगह पर इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 700 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारा यहां पर आंसर कितना है हमारा 700। देखो मतलब कि अगर 5 घंटे लेंगे तो सिर्फ 700 बोतलें भरेंगे, देखो ध्यान से डायरेक्ट प्रपोर्शन है, अगर मैंने टाइम को कम किया, देखो टाइम कम हुआ ना तो बोतलें भी क्या हो गई, कम हो गई, डायरेक्ट प्रपोर्शन है ना, एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इजी है, जल्दी से उतार लीजिए।
तो बच्चों आई होप आप लोगों ने उतार दिया होगा। अब मैं करता हूं बच्चों वीडियो का एंड। तब तक के लिए बच्चों अगर आपको डीमैस की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।